आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर के आदर्श नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के निर्देशन में नगर में क्षेत्र में चल रहे सीवर लाइन एवं जल लाइन निर्माणाधीन में कार्यदायी संस्था के द्वारा घोर लापरवाही व्याप्त थी, जिससे तुलसी पार्क में जन सुनवाई में काफी आक्रोश को देखते हुए अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने जल निगम के सहायक अभियंता वैभव पटेल, जूनियर इंजीनियर भगवान दास के एवं साथ नगरपालिका सभागार में बैठकर अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस के बीच लंबी चर्चा करते हुए कहा कि जल निगम के अधिकारी गण के साथ आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष के निर्देशन में 3 बैठक हो चुकी है, इसके बावजूद भी सीवर लाइन बिछाने के कारण उत्पन्न जन समस्या के समस्या का समाधान संतोषजनक नहीं किया गया। अस्पताल रोड, नगर पालिका रोड तथा बहराइच रोड से झारखंडी रेलवे स्टेशन से होते हुए पूरे तुलसी पार्क मोहल्ले की सड़कों पर गड्ढों में जन सामान्य परेशान है। 20 जुलाई को तुलसी पार्क में जन सुनवाई में वार्ड के वरिष्ठ जनों ने समस्या पर आक्रोशित व्यक्त किया तथा गोंडा रोड से गन्ना दफ्तर से अधिकारी बाग तक सीवर लाइन के खुदाई से सड़क बहुत खराब है। दूसरे तरफ जल लाइन के खुदाई में अत्यंत लापरवाही से खुदाई करके कहीं कहीं पाइप भी नहीं डाली गई है और खुदाई करके छोड़ दिया गया है। यदि तत्काल समाधान नहीं कराया गया तो जन आक्रोश को देखते हुए वैधानिक कार्रवाई करने पर पालिका प्रशासन विवश होगा। यह भी निर्देशन दिए गए कि नगर क्षेत्र में चल रहे सीवर लाइन जल लाइन के कारण गड्ढों को भरते समय मोहल्ले वासियों एवं सभासद को विश्वास में लेकर तथा अन्य आने वाली कठिनाइयों का तत्काल समाधान साथ साथ करा दिया जाए। बरसात के पानी सीवर लाइन एवं जल लाइन का निर्माण सड़क पर गली का कार्य एक साथ संपन्न करा लिया जाए ताकि उन सड़कों गलियों नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य कराया जा सके। जल लाइन परिसर में सभासदों को पूर्ण जानकारी देते हुए मोहल्ले के वरिष्ठ जनों एवं जानकार लोगों से लाइन आदि की जानकारी करके खुदाई की जाए, जिससे कोई नुकसान ना हो सके। नगरपालिका कार्यालय पर मौजूद लोगों ने क्या कहा, आइए उनकी सुनाते हैं जुबानी संवाददाता प्रमोद पांडे की खास रिपोर्ट। तुलसी पार्क में जन सुनवाई के दौरान सड़क और सीवर लाइन और जल लाइन बिछाने की समस्या पर वार्डवासियों ने चर्चा किया था, जिस पर आज जल निगम के अधिकारियों के साथ एवं सभासदों के साथ बैठक करके सभी का निस्तारण कराने के लिए उनको अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुपालन में कड़ाई से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।